हेलो गॉइज़ उम्मीद है कि आप सब खैरत से होंगे आज मैं आपके लिए एम लाया हूँ ऑन द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया आज हम एम सॉल्व करेंगे ऑन दिस वेरी टॉपिक तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एम सी क्यू विच टू ग्रुप्स और द इंडियन रिवर सिस्टम डिवाइडेंट इंडियन रिवर सिस्टम जो है इसको किन दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ये आपको बताना है ठीक है हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं सो वी हैव टू चूज़ द राइट वन द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज़ हिमालज हिमालयन रिवर्स एंड पेनसोलियर रिवर्स जो रिवर्स uh, हिमालय से औरजिनेट हो जाते हैं उनको बोलते हैं हिमालयन रीजन, और जो पेनसुलर प्लेटों से औरजिनेट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं पेनसुलर रिवर ठीक है पेनसुलर रिवर्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसकी खासियत क्या है क्या फ़्यूचर है उसकी ठीक है हमें बताना है क्या वो शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं एंड स्लो फ्लो नहीं ये तो नहीं आएगा ये नहीं आएगा ठीक है उसके बाद डिपेंडेंसी और रेनफॉल नहीं ये रेनफॉल पर डिपेंडेंट नहीं होते इरोजन एक्टिविटीज़ इन लवर कोर्सेज़ ये भी नहीं है कंटिन्यूस वाटर फ्लो थ्रू द ईयर ये सही है इनमें कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर जो है ना वाटर फ्लो करता रहता है तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट उसके बाद विच टाइप ऑफ रिवर्स आर द पेनिनसुलर रिवर्स कौन से विच टाइप ऑफ रिवर्स जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो कौन से टाइप ऑफ रिवर्स है क्या वो सीजनल रिवर्स है क्या वो पेरिनियल रिवर्स है क्या वो ग्लेशियर फेड रिवर्स है क्या वो एश्चूरियन रिवर्स है जो पेनसुलर रिवर्स होते हैं वो मोस्टली सीजनल रिवर्स होते हैं ठीक है उनमें जो वाटर हैं वो फ़्लो नहीं करता है थ्रू आउट द ईयर वो पर्टिकुलर सीज़न यानी कि रेनी सीज़न में जो है ना फ्लो करेगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए दैट इज़ सीजनल रिवर्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं हाउ डू पेनसुलर रिवर्स डिफर फ्राम हिमालयन रिवर्स इन टर्म्स ऑफ कोर्स लेंथ जो पेनिसर रिवर्स होते हैं और जो हिमालयन रिवर्स होते हैं उनकी लेंथ कितनी होती है क्या हिमालयन रिवर्स की लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पेनिसलर क्या उनकी कम होती है या बराबर होती है हम देखना है हमें ऑप्शन पढ़ने हैं ठीक है पेनिसलर रिवर्स हैवे लॉन्गर कोर्स ये गलत है उनका कोर्स शॉर्टर होता है पेनसलर रिवर्स हैव शार्टर कोर्सेज ये सही है बोथ हैव सिमिलर कोर्सेज ये गलत है सो so, हम कह सकते हैं कि जो पेनल सुलर रिवर्स है दे हैव शॉर्टर कोर्सेज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट उसके बाद वायर डज द इंडस रिवर ऑरजिनेट फ्रॉम जो इंडस रिवर है वो कहाँ से ऑर्जिनेट करता है जो इंडस रिवर है वो ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम तिब्तियन प्लेटू ठीक है तिबेतियन प्लेटू पे एक लेक है जिसको हम कहते हैं लेक मानसरोवर ठीक है उसको मानसरोवर लेक कहते हैं जो कि तिब्बत में मौजूद है तो यहाँ पर हम किस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं ऑप्शन बी ओके मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं विच रिवर सिस्टम इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड तो हमारे पास चार रिवर सिस्टम दिए गए हमें बोलना है लॉन्गेस्ट कौन सा इनमें तो लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट अगर बात करेंगे इनको कंपेयर करके तो लॉन्गेस्ट यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम है ठीक है वी कैन गो विद इंडस रिवर सिस्टम उसके बाद वाय दस द गंगा रिवर ऑर्जिनेट फ्राम जो गंगा रिवर है वो कहाँ से ऑर्जिनेट करता है ठीक है जो गंगा रिवर है वो कहाँ से निकलता है ठीक है इसको हम गेंजस भी कहते हैं ये कहाँ से निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में पड़ता है ठीक है एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में जिसको हम उत्तरकाशी कहते हैं वहाँ पे ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है मौजूद हैं तो जो ये गंगा रिवर है उसी ग्लेशियर से जो है ना ऑर्जिनेट हो जाता है तो यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिवर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म गंगा रिवर एट देव प्रयाग कौन से दो रिवर ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से और गंगा रिवर जो है ना वो बनाते हैं कहाँ पे देव प्रयाग ठीक तो कौन कौन से दो रिवर्स हैं ऑप्शन पे देखते हैं ठीक तो दो रिवर कौन कौन से हैं एक भागीरथी है एक अलकनंदा है जब भागीरथी एंड अलकनंदा एक दूसरे से मिल जाते हैं एट देवप्रयाग देवप्रयाग कहाँ पर है ये तहरी गरवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड जो उत्तराखंड स्टेट है इंडिया की वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम तहरी गरवाल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं वहाँ पर एक जगह है जिसको हम देव प्रयाग कहते हैं तो देव प्रयाग जो कि उत्तराखंड में है वहाँ पे दो रिवर्स कौन कौन से रिवर बागीर एंड अलकनंदा ये आप एक दूसरे से मिलते हैं और क्या बनाते हैं गंगा तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट उसके बाद वायर डज़ द गंगा रिवर एंटर द प्लान्स जो गंगा रिवर हैं सबसे पहले हिमालय से निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है जो कि उत्तराखंड में है। फिर क्या होता है ये पहाड़ों में फ्लो करता रहता है और एक जगह है जहाँ पर ये प्लान में आ जाता है प्लान में इमर्ज करता है वो कौन सी जगह है वो हमें बताना है ठीक है तो हम इसका ऑप्शन जो है ना वो लिख सकते हैं हरिद्वार जो हरिद्वार है गंगा रिवर एंटर करता है प्लान एट हरिद्वार जो कि एक सिटी है कहाँ पे उत्तराखंड में ठीक है तो वी कैन गो विद हरिद्वार ओके हरिद्वार उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन विच रिवर ज्वाइन इज गंगा इन बांग्लादेश इनमें से कौन सा रिवर है जो बांग्लादेश में गंगा के साथ ज्वाइन करता है ठीक है ये आपको बताना है तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं द राइट ऑप्शन इज़ ब्रह्मपुत्रा रिवर ठीक है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये गंगा के साथ मिलता है इन बांग्लादेश और एक डेल्टा भी, भी बनाते हैं जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं कहते हैं ठीक है तो आ, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको ब्रह्मपुत्र को वहाँ पे बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना क्या कहते हैं जमुना और जो गंगा है ठीक है गंगा जो है उसको कहते हैं गंगा को कहते हैं पद्मा ठीक है पद्मा ठीक जब जमुना जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर और पद्मा जो कि गंगा को कहते हैं जब ये मिलते हैं तो ठीक है कहाँ पे मिलते हैं बांग्लादेश में और क्या बनाते हैं एक डेल्टा सुंदरबन डेल्टा तो हमारा क्वेश्चन था विच रिवर ज्वाइन द गंगा इन बांग्लादेश कौन सा रिवर ज्वाइन करता है ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको जमुना से जानते हैं वहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर इवेंचुअली फॉल इंट ब्रह्मपुत्र रिवर ठीक है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो लास्ट में कहां पे फॉल हो जाता है गिर जाता है यानी कि किस में वो लास्ट में जाता है ठीक है तो हमारे पास चार ऑप्शन है अरबिन सी बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन अरेबियन पेन सूला ठीक है तो ये कहां पे चला जाता है बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल में चला जाता है जैसे कि गंगा भी बे ऑफ बंगाल में ही चला जाता है ठीक है इंडस भी बे ऑफ बंगाल में ही चला जाता है ठीक है तो निकलता कहां से तिब्बत से ठीक है फिर लास्ट में बांग्लादेश में कहा जाता है बे ऑफ बंगाल में ठीक उसके बाद वट आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा गंगा की कौन सी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इनमें से तो गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना गागरा, गंदा कैंड कोसी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिवर ज्वाइन गंगा एट अलाहाबाद कौन सा रिवर ज्वाइन करता है गंगा को अलाहाबाद में अलाहाबाद कहा है अला आबाद जिन यूपी अल्लाह आबाद जिन यूपी तो यूपी में अलाबाद में यूपी में एक जगह है अलाबाद जहाँ पे एक रिवर ज्वाइन करता है गंगा के साथ कौन सा रिवर है वो वो हमें बताना है दैट इज़ यमुना जो यमुना रिवर है वो अला में गंगा के साथ ज्वाइन करता है अलाबाद को हम और एक नाम से जानते हैं ठीक है और एक नाम से जानते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि किस नाम से उसको जानते हैं नेक्स्ट विच रिवर सिस्टम डाज द जस्कार रिवर बिलोंग टो जो जस्कर रिवर है वो कौन से रिवर सिस्टम से बिलोंग करता है यह हमें आपको बताना है ठीक है जो जस्का रिवर है वो बिलोंग करता है इंडस रिवर सिस्टम से और मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी इंडस रिवर सिस्टम की ठीक है जो जस्का रिवर है जस्कार रिवर कहाँ से निकलता है जस्कार जो रेंज है वहाँ से निकलता है और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिवर मर्जेस विद अरबियन सी नियर कराची कौन सा रिवर अरबियन सी के साथ मर्ज करता है एट कराची इसका सही आंसर आएगा इंडस इंडस रिवर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डज ब्रह्मपुत्रा रिवर ऑरिजिनेट ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ पर ऑर्जिनेट होता है ठीक है ये आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये कहाँ से ऑर्जिनेट होता है ये ऑर्जिनेट होता है तिब्बत से कहाँ से ऑर्जिनेट होता है तिब्बत से और तिब्बत में इसको एक नाम से जानते हैं यरलुंग सेंगपो किस नाम से इसको तिब्बत में जानते हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर हैं उसको हम तिब्बत में एक नाम से जानते हैं किस नाम से वाई ए आर एल यू एन जी यरलुंग सेंगपो सेंग पो ठीक है इस नाम से इसको जाना जाता है तिब्बत में ठीक है तो ये ऑरिजिनेट कहाँ से होता है तिब्बत से कौन ब्रह्मपुत्र रिवर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को हम किस नाम से जानते हैं ठीक है उसको हम जानते हैं दिहांग ठीक है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को दिहांग कहते हैं या तो दिहांग कहते हैं या इसको कहते हैं सियांग ठीक है दिहांग या सियांग दो में से एक उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम कौन से दो रिवर्स ज्वाइन करते हैं और ब्रह्मपुत्र रिवर जन्म देता है आसाम में तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं द राइट ऑप्शन इज एंड दिबांग लोहित दिबांग नेक्स्ट विच रिवर आय आईलैंड इज कंसिडर द लार्जेस्ट इन दर्ल्ड कौन सा है मजोली जो कि आसाम में पड़ता है नेक्स्ट व्हाट इज़ द मैन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया पेनिनसुलर इंडिया में मैन वाटर डिवाइड कौन सा है ठीक है वो हमें बताना है ईस्टर्न गार्ड्स हिमालयाज

वेयर डज़ द नर्मदा रिवर ऑर्जिनेट फ्रॉम जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ऑर्जिनेट करता है और नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंतक हिल्स से निकलता है जो कि मेकल रेंज में पड़ता है कहाँ पे मध्य प्रदेश में तो हम लिख सकते हैं अमरकंतक हिल्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट जू फ्यूचर डज द नर्मदा रिवर क्रिएट नियर जबलपुर कौन सा जियोग्राफिकल फ्यूचर नर्मदा रिवर क्रिएट करता है एट जबलपुर नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश जो नर्मदा रिवर है क्रिएट्स ए नोटेबल जियोग्राफिकल फीचर जिसको हम कहते हैं दोंदार फॉल्स ठीक है क्या कहते हैं उसको दोंदार फॉल्स उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच सी डज नर्मदा रिवर मर्ज इंटू जो नर्मदा रिवर है वो किस सी में जाता है जो नर्मदा रिवर है वो जाता है अरबियन सी में अरबियन सी में उसके बाद वायर डज़ द तापी रिवर ऑरजिनेट फ्राम जो तापी रिवर है वो कहाँ से ऑरजिनेट करता है तापी रिवर ऑरजिनेट करता है फ्राम कहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं वी हैव फोर ऑप्शन द तापी रिवर ऑरजिनेट फ्राम सतपुरा रेंज इन सेंट्रल इंडिया ठीक है सतपुरा रेंज इन सेंट्रल इंडिया तो वही कैन राइट इट सतपुरा रेंज उसके बाद वट इज द लेंग ऑफ गोदावरी द लार्जेस्ट पेनिसर इंडिया पेंसुलर रिवर तो गोदावरी उसकी लेंथ कितनी है 1500 किलोमीटर ठीक विच स्टेट डज द गोदावरी रिवर राइज फ्राम कौन सी स्टेट से गोदावरी रिवर जो है ना राइज होती है राइज़ करती है तमिलनाडु महाराष्ट्र केरला या कर्नाटका ठीक है कहाँ से राइज करती uh, हैं ये राइज करती है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन बी ठीक है ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द गोदावर रिवर ऑल्सो नोन एज ड्यू टू इट लेंग एंड लें इट कवर्स इसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगा ठीक दक्षिण गंगा दक्षिण गंगा का मतलब होता है गंगा ऑफ साउथ उसके बाद इन टू विच बॉडी ऑफ वाटर डज द गोदावरी रिवर जो है ना फॉल करता है कौन सी वाटर बॉडी में ये फॉल करता है इट फॉल्स इन टू द बे ऑफ बंगाल ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 29, नाइन विच रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी इनमें से कौन सी <coughs> गोदावरी की <coughs> ट्रिबरी नहीं है ठीक पूर्णा वर्दा नर्मदा इसका आएगा नर्मदा सी ठीक उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्राम वायर डज द महानदी रिवर राइज जो महानदी रिवर है वो कहाँ से राइज़ करती है ठीक है वो राइज़ करती है फ्राम छत्तीसगढ़ हाईलैंड ऑरिजिनेट फ्राम हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ ठीक ठीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं थ्रू विच स्टेट थ्रू विच स्टेट डज द महानदी रिवर फ्लो बिफोर फॉलिंग इनटू टू बे ऑफ बंगाल कौन सी स्टेट से पास करती हैं बिफोर फॉलिंग इनटू टू बे ऑफ बंगाल ठीक तो थ्रू विच स्टेट हमें बताना है स्टेट का नाम जिससे पास करती हैं ठीक है बिफोर फॉलिंग इन टू बे ऑफ बंगाल तो बे ऑफ बंगाल में फॉल करने से पहले ये फ्लो करती है थ्रू द स्टेट्स ऑफ द स्टोट ऑफ़ उड़ीसा उड़ीसा ऑप्शन ए ऑप्शन ए इज़ द क्रेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विच रिवर बेसन इज़ करेक्टराइज एज स्मॉल रिवर फ्लू थ्रू रिफ्ट वैली ये तो आपको पता होगा तापी तापी बेसन ऑप्शन बेज द राइट उसके बाद अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे ठीक क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री क्या है वायर डज़ द कृष्णा रिवर ऑर्जिनेट फ्राम जो कृष्णा रिवर है वो कहाँ से ऑर्जिनेट करता है ठीक जो कृष्णा रिवर है वो कहाँ से ऑर्जिनेट करता है फ्रॉम वेस्टर्न गाड्स ठीक है वेस्टर्न गाड्स से ऑर्जिनेट करता है वहाँ पर एक टाउन है जिसका नाम क्या है महाबलेश्वर क्या नाम है उसका महाबलेश्वर तो ऑप्शन बी इज राइट इट ऑर्जिनेट फ्राम वेस्टर्न गार्ड्स नियर द टाउन ऑफ महाबलेश्वर ओके अब उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट मैन ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर की मैन ट्रिब्यूटरी कौन नहीं है इनमें से द राइट ऑप्शन इज गंगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वाई डज द कावरी रिवर ऑर्जिनेट फ्राम जो कावरी रिवर है वो कहाँ से ऑर्जिनेट करती है ठीक है ये बताना है कि जैसे कृष्णा रिवर ऑरिजिनेट महाबलेश्वर ठीक आपको बताना है कावरी रिवर कहाँ से औरजिनेट करती है ठीक है जो कावरी रिवर है वो ऑर्जिनेट करती है फ्रॉम ब्रहमागिरी रेंज ब्रहमागिरी रेंज जो कि वेस्टर्न गार्ड्स में है कहाँ पे किस स्टेट में कर्नाटका तो ब्रह्मागिरी रेंज कहाँ पे है कर्नाटका जो कि वेस्टर्न गार्ड्स पे है वहाँ से कावरी रिवर जो है ऑरिजिनेट करती है उसके बाद विच रिवर इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ़ कावरी ठीक है क्या बोलना है मैं इनमें से कौन सा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ़ कावरी नहीं है तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं बावनी हिमावती ठीक है अमरावती काबनी और ब्राह्मणी जो बावनी है ये तो है ठीक है आ, बावनी है अमरावती भी है ठीक उसके बाद हमारे पास है <coughs> अमरावती है बावनी है ठीक काबिनी और ब्राह्मणी आई गेस जो ब्राह्मणी है वो नहीं है ठीक है तो ब्राह्मणी इज़ द राइट ऑप्शन दीज द क्वेश्चन आज हमने रिवर uh, सिस्टम पे थर्टी सिक्स क्वेश्चन सॉल्व किए उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो ये वीडियो है ये पसंद आया होगा अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही साथ इसको लाइक करें Thank you, have a great day.